तो हम बात करते हैं वीवीए। वीवीए जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब ये बता दूं कि ये आपका VV6 या VV स्टूडियो या VV.NET से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि VV6 VV स्टूडियो VV.NET की तरफ परफॉर्म करेगा और इसके जरिए हम एक नया सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। हम जो है वीवीए की मदद से क्या कर सकते हैं, हम वीवीए के मदद से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जी हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्क करता है, याद रखिएगा। अब वीवीए प्रोग्रामिंग सिर्फ एक्सेल पे नहीं होता है, हम वीवीए का यूज आउटलुक पे, वर्ड पे, पावर पॉइंट पे, एक्सेस पे, सब पे करते हैं। लेकिन मैं आपको, हाँ जी, मैं आपको एक्सेल पे सिखाऊंगा। सब में अलग अलग प्रोग्रामिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ 45% सब में सेम होता है प्रोग्रामिंग, लेकिन बहुत चीजों में अलग होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में हम डील करते हैं सेल से, शीट से, वर्कबुक से, वर्ड में डील करते हैं हम किस से, टेक्स्ट से, पैराग्राफ से, पेजेस से। तो कोडिंग सबकी अलग अलग होगी, राइट। बिल्कुल ठीक है, अब मान लीजिए कि वीवी हमारा एक फैक्ट्री है, जिससे हम क्या बनाएं, इसका प्रोडक्ट क्या हो। तो विथ वीवी हम लोग बनाएंगे सबसे पहले मैक्रोज, राइट। देन हम क्रिएट करेंगे फंक्शन, एंड आफ्टर दैट हम क्रिएट करेंगे यूजर फॉर्म। तो अगर वीवी को अगर हम फैक्ट्री में, अब हिंदी में कंफर्टेबल है ना, चलिए। बिल्कुल तो यहाँ पे हम माइक्रोज, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म, हम वीवीए, वीवीए से हम तीन चीज बनाए। अब तीनों होता है क्या है, माइक्रोज का मतलब हुआ ऑटो पायलट, मतलब कि हम एक बटन क्लिक करें और हमारा काम हो जाए। किस तरह का काम? तो जो रिपीटेड जॉब है या लेंदी जॉब है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 100, एक हमारे हम चाहते हैं कि 100 लोगों की पीडीएफ बन जाए, 100 को इंडिविजुअली चला जाए। जैसे मान लीजिए कोई बिल है, इनवाइस है, या सैलरी स्लिप है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हम चाहेंगे कि सबको चला जाए एक ही बार में, एक क्लिक पे जनरेट भी हो जाए और चला भी जाए। जैसे 200 और 500 फाइलें एक्सेल में पड़ी हुई है, सारे फाइलों का डेटा एक सीट पे अरेंज हो जाए और मेरे हिसाब से अरेंज हो जाए, ओके। या फिर मान लीजिए कि एक रिपोर्ट जो हम बनाते हैं, उस रिपोर्ट को बनाने में मैं 20 25 50 स्टेप फॉलो करता हूँ, तो हम सारे उस स्टेप को कोड कर देंगे। नेक्स्ट टाइम एक बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही मेरा ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो रिपीटेड जॉब और लेंथी जॉब, ऐसे काम जो आप रेगुलर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप क्या कर देंगे, एक ऑटोमेशन बना देंगे, एक ऑटोमेशन बना देंगे, राइट, माइक्रोज बना देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो क्लिक करते ही आपका हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। जैसे आपको अगर गमले में पानी देना है, अब हर दिन आपको पानी देना है, तो हर दिन आपको आधा घंटा वेस्ट होता है गमले में पानी देने के लिए। आप एक ऐसा डिवाइस तैयार कर दें और पाइप से कनेक्ट कर दें कि हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिक जो है पानी डल जाएगा और यहाँ बिल्कुल पर बंद हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे कि आपकी जो आपका जो रोल है वो खत्म हो जाए, आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाए। यहाँ तक कि जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिक मेरा रिपोर्ट बन के चला जाए, या फिर जैसे ही किसी ने आउटलुक में मेल किया, ठीक है, मेल पे दिया और मेल के अंदर मेरा डेटा फाइल है, एक पर्टिकुलर मेल आईडी डेटा शीट के साथ आ रही है, तो ऑटोमेटिकली उस डेटा शीट में रिपोर्ट बन के वापस उसको चला जाए, समझे। बिल्कुल हाँ, इस तरह की ऑटोमेशंस के लिए हम माइक्रो का इस्तेमाल। अब बारी आती है फंक्शन। फंक्शन इसका, इससे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला है ना, ऐसे फॉर्मूला तैयार करते, ठीक है। अब जैसे ऑलरेडी फॉर्मूला है तो फॉर्मूला क्यों तैयार करते हैं, जैसे वी लुकअप फॉर्मूला ही ले लीजिए। क्या है वी लुकअप फॉर्मूला? हमारे हिसाब से नहीं है वो, फिक्स है। क्यों? आपका एक कंडीशन लेफ्ट से लेगी, एक ही कंडीशन लेगी लेफ्ट से लेगी, एक ही डेटा पे वर्क करेगी और मल्टीपल रिजल्ट से एक ही रिजल्ट देगी,
अब आपको मान लीजिए कि एक फोल्डर में जितने भी फाइल है सब पे वी लुकअप लगाना है, आपका डेटा ढूंढना है कि भाई यहाँ पे एक एक फाइल को ओपन करके डेटा ढूंढने है, ढूंढ के मुझे दे, आपको पता नहीं कि मेरा जो डेटा ढूंढना वाला हूँ कहाँ है। ये चीज मैंने बनाई थी एक इसके लिए, एक हमारे बगल में था ए है ए, ए थे SSP थे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक बुलाया था कि मेरे पास हर थाने से हर महीने केस लिस्ट आती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे किसी एक मोबाइल नंबर मिला, मुझे ये देखना है कि ये मोबाइल नंबर किस केस में इन्वॉल्व है, समझे? तो मुझे एक एक फाइल को, कि उनके पास तकरीबन तकरीबन उनके पास 200 या 250 थाने हैं, मतलब कि पुलिस स्टेशन है उनके अंदर, तो 200-250 फाइलों को ओपन करना पड़ता है, और भी हर महीने का, साल का अगर मान लीजिए 5 साल पहले केस हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं कितने फाइलों में चेक करना पड़ता। तो मैंने उनके लिए एक मैक्रो तैयार कर दिया था जो कि उनके आर्काइव के अंदर जाके एक एक फोल्डर के अंदर एक एक फाइल के अंदर जाके चेक करता था, जब तक तब तक मिल ना जाए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर फटाफट हो जाता है काम, टाइम लगता है, टाइम लगता है बस उस तरह के लेवल से, 200 फाइल इतने सारे हजारों फाइल में चेक करना है तो उनको 5 मिनट 7 मिनट का टाइम लग जाता था, क्योंकि एक एक करके सारे फाइलों को चेक करता है। लेकिन हाँ, आप जो मैनुअल वर्क करेंगे उनसे करीब 1000 गुना फास्ट आपको दे देंगे, ठीक है। तो मैनुअल वर्क से 100-1000 टाइम फास्ट आपका काम करके माइक्रो दे दे जी, और 100% एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि कंडीशन जब तक फुलफिल होती रहेगी तब तक आएगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो आपको दिक्कत होगा ही ना। आफ्टर दैट बात करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म, इनकी मदद से हम इस तरह के पॉपअप तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? इस तरह के पॉपअप तैयार, ठीक है। जैसे कि यूजर फॉर्म मान लो, एक मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे यूजर फॉर्म ओपन, जैसे ही ओपन होगा अब यहाँ पे ओपन होती पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है आपको सर, लॉग इन आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं जिसका लॉग इन डालूंगा उसी का यहाँ पे मेरा सीट खुलेगा, और नहीं तो नहीं खुलेगा। भाई पूरा सीट खुल गया, और जैसे एंटर डेटा करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके डेटा एंट्री कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए डेटा सर्च करना है तो यहीं पे मैंने आई नंबर डाला 12 डालते हैं, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो अजीत का डिटेल आ गया, आप देख सकते हैं अजीत का डिटेल आ गया। अब यहीं पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जो 22 है इसके जगह पे मैं 32 डालना चाहता हूँ, और जैसे ही चेंज भी क्लिक करूंगा आप देखिए यहाँ चेंज। तो ये तो छोटा इंटरफेस है, छोटा सा इंटरफेस है, इस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पूरा हमारा इनवाइस बिलिंग जैसे चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं इसकी मदद से यूजर फॉर्म के। अब हम बात करते हैं कोर्स के बारे में कि हमारा कोर्स क्या हो। तो मैंने आपको एक PDF भेजा था, राइट, तो वो मेरा मिनिमम कोर्स क्राइटेरिया है, मिनिमम कोर्स क्राइटेरिया। देखिए मेरा कोई भी कंटेंट मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम होता है, कम से कम उतना कराऊंगा, उसके अलावा आप इसमें चीजें ऐड कर सकती है अगर इससे रिलेटेड है और मैंने मिस किया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे हमारे प्रोडक्ट के अंदर 11 मॉड्यूल्स है, राइट, जिसमें हम बेसिक माइक्रो, कंडीशन अप्लाई करना, लूप्स, इवेंट माइक्रो, फंक्शंस, एडवांस फंक्शंस, उसके बाद हम डैशबोर्ड ऑटोमेशंस, क्रिएटिंग द डैशबोर्ड रिपोर्ट्स, हम कैसे डैशबोर्ड करेंगे, एंड पिवट टेबल ऑटोमेशंस, यूजर फॉर्म्स एंड पिक्चर ऑटोमेशंस, डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिनिमम क्राइटेरिया है, इसमें और भी चीजें ऐड होगी जब हम क्लासेस लेंगे, ठीक है, आप भी करेंगे और हम भी करेंगे। अब क्या ना कि चीजें नई नई आती रहती है, दिमाग में आइडिया मिलता रहता है, लेकिन हर बार कोर्स कंटेंट को एडिट करना पॉसिबल नहीं होता है ना सर, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया। इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन आपका 2 से 2.5 महीने चलेगा, और एक क्लास होगा 1-to-1, ठीक है ना, क्लास होगा
वन टू वन, एक से तीन लोगों की बैच साइज होती है, लेकिन क्या होता है कई बार कुछ स्टूडेंट्स हमारे पुराने होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ऐसे स्टार्ट तो आपसे ही क्लास होगा, राइट? ऐसा नहीं कि मैं वेट करूंगा कि दो तीन लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करूंगा, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या है कि रीज्वाइन के लिए कॉल करते हैं कि सर मैं रीज्वाइन होना चाहता हूँ, तो ऐसे स्टूडेंट से हम फीस चार्ज नहीं करते, ठीक है? लेकिन कंडीशन क्या होता है, रनिंग बैच में। और आपके साथ भी कंडीशन क्या है कि हम वन टू वन सिखाएंगे, आपके बैच आपके हिसाब से चलेगी क्योंकि आपने इनरोल किया है। जिस दिन आप आएंगे उस दिन क्लास होगी, जिस दिन आप नहीं आएंगे उस दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है? ओके लेकिन ये मे बी एक दो लोग और इन फ्यूचर में पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आएगा। कोई बोलता है सर मुझे यूजर फॉर्म सीखना है, मुझे यूज में या मुझे फंक्शन सीखने हैं, तो मैं दो चार कुछ क्लासेस के लिए उनको अलाउ कर देता हूँ। ये आपके साथ भी होगा कि आप भी इन फ्यूचर में चाहेंगे तो आपको भी मैं अलाउ कर दूंगा, क्योंकि तो हर किसी को बार बार सेपरेट क्लास देना ये प्रैक्टिकल तो नहीं है। ओके जी, अब हम एक टॉपिक्स डिस्कस आपके साथ करेंगे। हर क्लास लाइव होगा, क्लास की वीडियोस मिलेगी आपको, क्लास का ये मिलेगा, सैंपल फाइल मिलेगा, एवरीथिंग आपको तो मिलेगा यहाँ, ठीक है? जैसे क्लास मैं अभी दे रहा हूँ इसी तरह से लाइव क्लासेस होगी। और ये आप और ये अभी मैं वीडियो ऑन नहीं किया हुआ क्योंकि संडे है और संडे के दिन मैं प्रिपेयर नहीं था क्लासेस देने के लिए, इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया। आपका संडे